तो गाइस सुबह जैसे मैं उठा तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, और जैसे मैं कॉलेज से आया तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा क्या है। सो गाइस लुक एट दिस, ओ माय गॉड। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, हिमाचल के पहाड़ों में पड़ चुकी है बर्फ। ओ वाओ, और मौसम देख सकते हो आप कैसा है, और बर्फ बर्फ देखी एक नंबर। अब देखिए व्यू, वाओ जस्ट वाओ यार। मतलब जो मेरी आंखों से दिख रहा है ना, वो शायद कैमरे से ना दिख पाए, लेकिन गाइस काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़। गाइस आप एक बार व्यू देखिए, वो देखिए रेनबो बना हुआ है, और इधर देखिए वाओ यार जस्ट वाओ। सो गाइस जैसा कि आपको पता है ठंड काफ़ी ज़्यादा, तो एक गज्जक ले लेते हैं और गज्जक खाते हैं। ऐसे तो मैं गज्जक वगैरह खाता नहीं हूँ, बट आज ठंड होने के कारण मन कर गया खाने को, तो इसलिए खा रहा हूँ। वैसे टेस्टी काफ़ी ज़्यादा लग रही है आज। अभी आप देख सकते हो कि मौसम कैसा है, पूरे बादल छाए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कैसे हो आप सभी, उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30, और आज एक बैड न्यूज़ मिली है। बैड न्यूज़ ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाल दिया है कि कॉलेजेस और स्कूल सारे बंद हो जाएंगे आज से लेकर के, और ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। तो गाइस इसका मतलब ये है कि अगर स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोरोना कर्फ्यू भी जल्दी लग जाएगा, यानी लॉकडाउन भी शायद जल्दी लग जाए। और आप जानते हो लॉकडाउन लगेगा तो हम बाहर कहीं जा नहीं सकते, और फिर व्लॉग्स बनाने में कितनी दिक्कत आएगी। तो इसलिए अभी मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ है, इसलिए मैंने मम्मा को बोला कि जल्दी जल्दी चाय बनाओ, एक कप चाय पिलाओ, फिर थोड़ा देखते हैं सोचते हैं, फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले चाय पीते हैं। सो गाइस जो पहाड़ मैंने आपको अभी दिखाया थोड़ी देर पहले, वो क्लिप थी परसों की, और आज भी वो पहाड़ दिख रहे हैं। मैं थोड़ी दिखाता हूँ आपको आज कैसे दिख रहे हैं। And guys, look at the view, यार एकदम awesome view है यहाँ पे। मैं जाता हूँ drive करने गाड़ी को, तो गाइस एक चक्कर लगाते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा मूड शांत हो जाए। कैसे हो? ठीक हो? बोलो हेलो गाइस, कैसे हो? हेलो गाइस, लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, चैट करो। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी छुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मित, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल हरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। बता देना
आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार। ओ नित नित लाके रंग सवारी ये जहां या ना, अरे बोलो ना सूरज की। मैं जलाई मम्मा जी ने आग, और अभी आग सेक रहे हो? हाँ बेटे, आप तो सेक लो। ये किसके लिए जलाई, बेटे के लिए? अभी मैंने खोली है दुकान, और अभी मैं बैठा हूँ दुकान पे, और साथ में आग सेकते हैं, और मम्मा भी आ गए हैं यहाँ पे दुकान पे, और इन्होंने भी आग जला दी है। सर्दी काफी ज्यादा हो गई है, पर बारिश पड़ने के बाद काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। उतनी सर्दी नहीं है जितनी पहले थी बारिश से, लेकिन अब भी काफी ज्यादा फर्क पड़ चुका है। फिर भी यार आग काफी ज्यादा राहत देती है सर्दियों के दिनों में, इसलिए आग जलाई हुई हमने यहाँ पे। आपको लग रहा होगा मैं रो रहा हूँ, पर मैं रो नहीं रहा हूँ। ये धुआं आता है जब आग जलाते हैं, तो यहाँ से लकड़ियों से धुआं आता है, तो खुद ब खुद ही आंखों से पानी आ जाता है। बाकी मम्मा को भी अच्छा नहीं लग रहा कि कॉलेज बंद हो गए, क्योंकि इनको भी लगता है कि कोरोना के कारण पढ़ाई काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। अब क्या करना, घर बैठ के पढ़ना है, और घर से बाहर जाएंगे तब भी खतरा है, और घर बैठ के पढ़ना क्या करना, कोरोना से तो बचना है। सो गाइस अभी हो रहे हैं शाम के 5:49, और आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। सो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। वैसे कुछ व्लॉग मैं खास तो मैंने दिखाया नहीं, बट मुझे लगा कि व्लॉग बनाना चाहिए, एक तो मैंने बना दिया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, बाकी जो तो देखते हैं उनको तो पसंद आएगा, पर जिनको नहीं आना उनको नहीं आएगा, चाहे जो मर्जी कर लो। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।